स्टेडियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। डीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना द्वारा जारी वार्षिक खेल कार्यक्रम के तहत आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आज जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम में शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन डीएम कौशल कुमार, एसडीएम मनीष कुमार, ओएसडी सुरेश प्रसाद, उप समाहर्ता अभिषेक रंजन, उप समाहर्ता पवन यादव, डीपीआरओ आलोक राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिले से बालक वर्ग में अंडर 40 और 70 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये है, इसमें पूरे राज्य से 30 जिले से खिलाड़ी लोग आए, अंडर 14 अंडर 17 के खिलाड़ी हैं इसमें, और इन लोगों के सभी कई 720 के करीब खिलाड़ी लोग आए हैं और जिले लोग आए हैं। सभी के खाने पीने की व्यवस्था की गई है 3 स्कूल में, और 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। यहाँ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो जाएगा उनको प्राइज भी दिया जाएगा। कला संस्कृति युवा विभाग के तत्वावधान ये प्रतियोगिता की जा रही है, और हम समझते हैं कि इससे खेल भावना काफ़ी डेवलप होगा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, और खेल में प्रगति के लिए बहुत आवश्यक था। कोविड काल के 2 साल के बाद इस तरह की प्रतियोगिता हुआ राज्य स्तरीय, और अन्य खेल के जो विद्या है उस विद्या में भी कई जिलों में इस तरह की प्रतियोगिता हुआ है। तो हम समझते हैं इस तरह की प्रतियोगिता होने से खेल भावना डेवलप होगी और खिलाड़ियों को। जिला ब्यूरो चीफ सहबाज खान, R9 भारत। केंद्रीय टीम द्वारा बैठनिया भानाचक पंचायत में की गई नल जल योजना की गहन जांच। कहीं मिला पाइप टूटा तो कहीं जलापूर्ति मिला बंद। पानी टंकी का घर बना लकड़ी का गोदाम। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल लाभुकों के लिए बनी शोभा की वस्तु। बेतिया के मझौलिया से खबर, जहां केंद्रीय टीम द्वारा मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत की वार्ड 7, 8 और 9 में और 10वीं मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल की गहन जांच की गई। जांच टीम में डाटा कलेक्टर कमला कुमारी, अवंतिका श्रीवास्तव तथा अमित कुमार के साथ कनी अभियंता सनोज कुमार, पंचायत सचिव चंद्रमणि शुक्ला, डाटा ऑपरेटर अजय कुमार पंडित आदि लोग शामिल थे। जांच टीम की कमला कुमारी एवं अवंतिका श्रीवास्तव ने बताया कि जांच के क्रम में पाया गया कि कई जगहों पर पाइप टूटा हुआ है, कई महीनों से जलापूर्ति बाधित है तथा इस योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिल रहा। साथ ही बताया कि वार्ड नंबर 9 में स्थित पानी टंकी के छत से पानी टपक रहा है तथा नीचे बने घर में लकड़ी का स्टोर रूम बनाया गया है। पानी नहीं मिला था, पाइप सब फूट गई बा, और यह बात एक टाइम टाइम से पानी नहीं खेलती दूसर कथी आ काला पर कहत रहो हम वार्ड कहत रहो हम कहाँ से बनवा दी बोलू पुरानका वार्ड से खोज सलो ये तो बात बा। हाँ तो मैंने अधिकारी चेक करे वाला लोग आवे लो तो पानी चालू रहला ना तंग बंद रहला दूसर कौन पाए बा। का नाम पड़ी? परमन राम। किस उद्देश्य से आज जांच हो रहा है? अच्छा, ये मतलब जल जीवन मिशन है कि जो घर घर में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है तो उसका एक जांच हो रहा है कि वहाँ का क्वालिटी क्या है, पानी का प्रेशर क्या है, इसी में एक जांच चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कमला कुमारी हुआ। मझोलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट।